यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए सर्दियों की ठंड में एक चमकदार चिंगारी है। पर्यटन के आंकड़ों में नकारात्मक और स्थिर विकास के महीनों के बाद यात्रा एग्रीगेटर गोइबिबो के नवीनतम सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिसंबर में 35% उत्तरदाताओं को अपने हालिया सर्वेक्षण में यह कहते हुए देखना शुरू कर रहे हैं कि वे नए साल की शुरुआत करने के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। लगभग 60% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे सर्दियों की छुट्टियों के दौरान यात्रा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे साल के अंत में पहाड़ियों या समुद्र तट पर छुट्टियां बिताएंगे, जबकि 70% से अधिक परिवार जीवन साथी या अपने साथी के साथ छुट्टी मनाने के लिए। यात्रा उद्योग के लिए एक यात्रा और आतिथ्य सॉफ्टवेयर कंपनी रेटगे द्वारा किए गए मूल्यांकन में अवकाश यात्रा में ऊपर की ओर प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है। चालू वर्ष के सप्ताह 50 और 52 के बीच कमरे की बुकिंग में कंपनी की गहरी गोताखोरी से पता चलता है कि सप्ताह के 50वें सप्ताह में बुकिंग 22% की नकारात्मक थी और सप्ताह 51 में 55% तक गिर गई। अंत में बुकिंग में अंतर्जात किया गया है। हरे वर्ष के अंतिम सप्ताह में बुकिंग 3% की वृद्धि के साथ। इधर जबकि एलएपी ने पिछले सप्ताह के दौरान बुक की गई रातों में 67% की वृद्धि दर्ज की, राजस्थान के भरतपुर में पिछले सप्ताह की तुलना में बुकिंग में 107% की उछाल देखी गई। सह संस्थापक और समूह के सीईओ मेक माई ट्रिप लिमिटेड, जिसमें MMT, गोइबिबो और रेडबस शामिल हैं, राजेश मागो ने कहा, पेंट अप वैंडलिस्ट वास्तविक है और ये सर्वेक्षण निष्कर्ष बताते हैं कि भारतीय अपनी यात्रा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहे हैं आगे की यात्रा के सुरक्षित विकल्पों का आश्वासन मिलने पर। गोइबिबो पर सर्दियों के त्योहारों की छुट्टियों के मौसम के लिए बुकिंग गोवा, लोनावाला, महाबलेश्वर, पौंडिचेरी, कूर्ग, शिमला, मनाली और दार्जिलिंग सहित घरेलू अवकाश स्थलों की यात्रा में वृद्धि का संकेत देती है। मागो ने कहा कि ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण की गति बढ़ जाती है। अगले महीने AVIL पर IATA यात्रा पास के साथ और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भी धीरे धीरे खुलने की संभावना है। यात्रा उद्योग यह भी अनुमान लगाता है कि अधिक लोग काम और खुशी के लिए उत्सुक होंगे, खासकर जब यह यात्रा की बात आती है। Booking.com के कंट्री मैनेजर भारत, श्रीलंका और मालदीव ऋतु मेहरोत्रा कहा, रिमोट काम करना एक दीर्घकालिक वास्तविकता बन रहा है क्योंकि वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। घर से काम करने की एकरसता को तोड़ने के लिए यात्री एक ऐसे स्थान पर भागना चाहते हैं जहां वे आसानी से व्यापार के साथ आराम कर सके। देखने के लिए धन्यवाद।